नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख ही लिया है, आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एप्लीकेशन फॉर्म 2023। 2023 में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा कब फॉर्म अप्लाई होंगे, कब फॉर्म इसके रिलीज होने वाले हैं, तो ये जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कमेंट भी कर रहे हैं कि मैम मुझे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में फुल जानकारी दीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश रहेगी कि कौन से स्टूडेंट्स का फॉर्म डाल सकते हैं, कौन से नहीं डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपसे किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बिना यानी कि डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन होगा कैसे, किस प्रकार से होता है, ये भी आपको जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। तो बिना एग्जाम के ही आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। कौन कौन से कोर्स यहाँ से आप कर सकते हो, कितनी फीस लगती है, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये पूरी जानकारी देने की कोशिश हमारी रहेगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए। यदि आप इससे बाकी किसी भी एग्जाम की जानकारी भी लेना चाहते हैं, जैसे एम्स, बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू, अटल बिहारी वाजपेयी, सीपी नेट, सेफई पैरामेडिकल, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। बायोलॉजी की इस टाइम बायोलॉजी में यदि आप हमसे जुड़े रहते हो, तैयारी करते हो, तो फ्री में आपकी तैयारी कराई जाती है। पहली बात, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर लाइव क्लास चलती है 5:30 बजे, और 12th क्लास की जो बायोलॉजी है वो हम पूरी फिनिश भी कर चुकी हूँ। 11th क्लास की इस टाइम बायोलॉजी हम चला रहे हैं, लगभग आधा सिलेबस हम इस 11th क्लास का भी फिनिश कर चुकी हूँ। और जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो एनसीईआरटी बेस पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी पूरा आपको पढ़ाया गया है। और आप देख सकते हो, नहीं तो वीडियो में जाके, और एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी का देखने को मिलेगा। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप और भी जानकारी पाना चाहते हो, कब कौन सी क्लास चलती है, जीके क्लास भी हम चलाते हैं यहाँ पर, और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासें काफी डली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो। यदि इस प्रकार की पूरी जानकारी यदि आपको पानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। उस पर हम पूरी जानकारी देती रहती हूँ, कब किसके फॉर्म आने वाले, ये सब जानकारी उस पर आपको मिलती रहती है हमेशा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स का फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयु सीमा। ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का कि कितने साल के बच्चे इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो पहली बात, आप सभी को पता है कि जिन बच्चों की आयु 17 साल पूरी हो, 31 दिसंबर 2022, ये पिछली ईयर का है, पिछली ईयर जो फॉर्म आए हुए थे तब आपकी 17 साल कब कंप्लीट होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2022 को। अब की बार जब फॉर्म आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो आयु है, एज है, वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो लगभग आपकी 35 साल होनी चाहिए तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, आरक्षण क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर यूपी के जो स्टूडेंट है वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, यूपी के जो बच्चे हैं वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि किस वर्ग के, साइंस, क्या साइंस वर्ग वाले ही केवल बच्चे फॉर्म डाल लेंगे कि आर्ट ग्रुप वाले भी बच्चे इसका फॉर्म डाल सकते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है विशेष रूप से कि प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित। जीव विज्ञान की जगह पर या 12th क्लास में आपके पास मैथ भी था तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर केवल विज्ञान वर्ग साइंस ग्रुप वाले बच्चे ही इसका फॉर्म डाल सकते हैं, आर्ट ग्रुप वाले बच्चे इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। पहला डाउट आपका, जो स्टूडेंट आर्ट्स ग्रुप से हैं वो यार आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते, तो कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसे सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। सैफई का फॉर्म यानी कि एग्जाम जो है वो हमने बताया हुआ है कब इसके फॉर्म आएंगे, आप उसकी तैयारी कर लो और अच्छे से तैयारी करिएगा, जिससे आपको सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल में कोई ना कोई कोर्स मिल सके, यानी कि आप अच्छा से अच्छा कोर्स कर सकते हो, जैसे एएनएम है, जीएनएम है, इस प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं जो आर्ट्स स्टूडेंट है, ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ये। दूसरी बात, बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन से बच्चे फॉर्म, तो हमने ये तो बता दिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज होनी चाहिए इनकी तीनों सब्जेक्ट में, वो कम से कम 40% से आपकी कम परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। यहाँ पर 10th और 12th के प्राप्तांकों के प्रतिशत के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर योग्यता सूची या मेरिट लिस्ट अनुसार आपका एडमिशन होता है। यहाँ पर एडमिशन एग्जाम तो आपका कराया नहीं जाता किसी प्रकार का, नो एग्जाम
एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन होने की जो प्रोसेस कराने की इनकी है वो क्या है, टेंथ और ट्वेल्थ के नंबर यहाँ पर जोड़े जाते हैं, टेंथ और ट्वेल्थ की जो परसेंटेज है वो आपकी जोड़ी जाती है और उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी से आपको क्या होता है, सिलेक्शन आपका होता है। तो टेंथ और ट्वेल्थ में आपके कितने नंबर होने चाहिए जब आप इसका यानी आपका इसमें सिलेक्शन हो सके जिससे, तो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसके फॉर्म कब आए हुए थे, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो और कितनी फीस यहाँ पर है। देखो सीटों की संख्या तो काफ़ी है, लगभग 8,000 के करीबन सीट है यहाँ पर, सीट बहुत है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की सीटों को जोड़ लिया जाए तो बहुत सारी सीट है। हमने पिछले ईयर आपको बताया हुआ था कितनी सीटें, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उनको पता है, और नहीं पता है तो हम आपको पूरी सीटें यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। जितनी भी सीटें यहाँ पर है वो 8,000 के करीबन यहाँ पर सीटें हमारे हिसाब से, जैसा मुझे याद आ रहा अभी, नहीं तो हम आपको एक बार और दोबारा से वीडियो बना के दिखा देंगे कितनी सीटें यहाँ पर किस कोर्स की कितनी है। दूसरी बात, डिप्लोमा में लैब टेक्नीशियन यहाँ से कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, बहुत अच्छा स्कोप है और काफ़ी इसकी वैकेंसी भी निकलती रहती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भी। तो डिप्लोमा में लैब टेक्नीशियन आप कर सकते हो और डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो यहाँ पर, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन, इस प्रकार के कोर्स आप यहाँ से, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, और उसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस है, इमरजेंसी है, MRI है, OT टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्टोमेट्री है और फिजियोथेरेपी है, सैनिटेशन है, डिप्लोमा इन एंथेसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है। इस प्रकार से आप कई कोर्स यहाँ पर से कर सकते हो, और नए और भी कोर्स हैं जो यहाँ पर अभी नहीं है, बाकी के और स्लाइड है उसमें हम आपको दिखा देंगे। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, इस प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं। इनकी फीस जो यहाँ पर दे रहे हैं वो 24,000 प्रति वर्ष दे रहे हैं, 24,000 प्रति वर्ष आपसे फीस यहाँ पर लगेगी, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की थोड़ा ज़्यादा आपसे लगती है, ठीक है। तो ये बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप फीस देने की, आपकी फीस भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इसका फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन होता है, यानी ऑफलाइन आवेदन नहीं आप कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म इसका नहीं भरा जाता है बल्कि ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट ये दे रखी इन्होंने। दूसरी बात, आपके पास और क्या होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर जो फीस है आपसे जो लगती है फॉर्म फीस, वो 1,000 रुपये पिछली ईयर लगी हुई थी, इस साल कितनी लगती है ये आपको हम बता देंगे जैसे इसके फॉर्म आएंगे। और बात करते हैं इसकी फॉर्म आने की संभावना क्या है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं। देखो एक यहाँ पर और आपकी एक डाउट और क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए, कॉलेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कॉलेज हैं जिन्हें जो हम बताएंगे सभी को तो काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो ये आपको कॉलेज दिख रहे हैं, फिरोजाबाद का एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, लखनऊ का है, GSBM कॉलेज है, सैफई पैरामेडिकल कॉलेज जो आपका है जिसमें CP NET एग्जाम कराया जाता है उसके द्वारा आप सीट ले सकते हो, लेकिन बिना एग्जाम के भी यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हो, बिना एग्जाम दिए भी फैकल्टी के द्वारा आप सैफई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन में और लैब टेक्नीशियन में। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन दोनों के कोर्स जो है वो फैकल्टी के द्वारा कराए जाते हैं जो बिना एग्जाम दिए। तो इस प्रकार से कई कॉलेज यहाँ पर ये देखो जुड़े हुए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कई कॉलेज हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये लिस्ट जो है वो हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले से डली हुई है हमारी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे, तो देखो पिछली ईयर फॉर्म कब आए हुए थे तो ये हम आपको दिखा देते हैं, पिछली ईयर इसके फॉर्म कब आए हुए थे तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कब इसके फॉर्म आएंगे। तो देखो पिछली ईयर जो फॉर्म इसके आए हुए थे वो आपके ऑनलाइन हुए थे 30 सितंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए थे। तो इस ईयर भी आप सितंबर या अक्टूबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे, सितंबर या अक्टूबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे। तो मार्च चली जाने वाली है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या जुलाई के लमसम आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं, यानी कि टाइम तो काफ़ी है,
लेकिन आप इंतजार करते रहेगा, और यदि आप इंतजार इससे पहले हो सके तो आप तैयारी भी करते रहें। वो बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम से ना हो तो आप फैकल्टी का फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन पहले आप कोशिश ये करें कि तैयारी करें। जैसे आप बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स, एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, बीएमएलटी जैसे कोर्स आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके कितने नंबर होने चाहिए, कितने नंबर आपके होने चाहिए टेंथ और ट्वेल्थ के, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके यहाँ पर। तो जो हमारा अंदाजा है, 2-3 साल का जो अनुभव है हमारा, वो हम आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके यदि नंबर 150+ है, 150+ आपकी परसेंटेज है, टेंथ की माना कि आपकी 70% है, ट्वेल्थ की माना कि आपकी 80% है, तो दोनों को जोड़ के यदि आपके 150%, 155% बन रहे, जाके नंबर परसेंटेज बन रही है, तो आप इसका फॉर्म डाल दीजिएगा, आपको कोई ना कोई सीट जरूर यहाँ से मिल जाएगी, अच्छी खासी सीट मिलेगी। तो यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म डालिएगा, 150+ आपके परसेंटेज होनी चाहिए टेंथ और ट्वेल्थ में। ऐसा नहीं है कि 140 वाले, 155 वाले, वो 140-145 वाले इसके फॉर्म ना डालें, वो भी डालें, आपको प्राइवेट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन यदि आप अच्छी खासी सीट लेना चाहते हो तो कम से कम आपके नंबर जो हैं वो 160 परसेंटेज यदि आपकी, तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा, जो यूपी के बेस्ट कॉलेज हैं, जैसे आपका सैफई पैरामेडिकल है, लखनऊ का KGMU है, इस प्रकार के कॉलेज आपको मिल जाएंगे, BRD कॉलेज है, का ऑटोनॉमस है, ये कॉलेज यूपी के बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे यदि आपकी इतनी परसेंटेज है। और फॉर्म इसके जो है वो सितंबर या अक्टूबर महीने में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, सितंबर या अक्टूबर के शुरुआत में आ जाएंगे आपके फॉर्म, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।